पास्टर जी, बहन का नाम है दिव्या और ये एमपी से आए हैं और ये आपकी प्रार्थना यूट्यूब के द्वारा 2021 से ऑनलाइन सुन रहे थे। और पास्टर जी, जब पहली बार इन्होंने आपकी प्रार्थना को सुना था तो इनको बहुत ही हल्का महसूस हुआ था जब इन्होंने प्रार्थना सुन ली थी। उसके बाद इन्होंने कहते हैं कि पहली गवाही इनकी ये है कि इनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, चिड़चिड़ भी बहुत करते थे और कहते हैं इनको अजीब सा लगता था, कहते अजीब अजीब हरकतें भी करते थे और कहते बहुत ही ज्यादा दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते थे। पर जब इन्होंने आपकी प्रार्थना सुनना शुरू किया तब से परमेश्वर ने इनको उस गुस्से से, उस चिड़चिड़ से उस अजीब ख्याबों से बिल्कुल आजाद कर दिया। हालेलुया। और ये जो गुस्सा जो होता है, आपको पता है कि जब कोई गुस्सा करता धीरे धीरे करते करते लड़ाई झगड़ा फिर बहुत सारी जगह तक पहुंच जाती है, इसलिए एंगर की स्पिरिट भी होती है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और पास्टर, दूसरी टेस्ट मनी इनकी ये है, इनके हस्बैंड की टेस्ट मनी है। इनके हस्बैंड जो है बहुत ज्यादा नशा करते थे, बहुत ही नशा करते थे, कहते जैसे गुटखा खाना, शराब पीना और तंबाकू खाना, ये बहुत ज्यादा खाते थे कहते। और ये घर में लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज्यादा करते थे और इनको टेंशन भी बहुत ज्यादा रहती थी और कहते ये अपने आप को सुसाइड भी करने जा रहे थे। पर इन्होंने, ये सिस्टर का विश्वास परमेश्वर पे मजबूत था, फिर इन्होंने प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवाई और सुसाइड के स्प्रेड इनके बिल्कुल खत्म हो गई। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखो परमेश्वर अद्भुत काम करता है। अपने आप सारा कुछ छोड़ दिया आपने, हालेलुया। बताओ, अपने खुद बताओ कि क्या क्या करते थे आप? नशा करता था मैं बहुत ज्यादा। नशे में आप क्या क्या नशा करते थे? शराब पीना। कितने साल से? 15 साल लगभग। 15 साल से। और क्या नशा करते थे जो आपने छुटकारा पाया है? बस यही नशा था मेरे अंदर। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। गुस्सा भी करते थे, सुसाइडल स्पिरिट काम कर रही थी, तो देखो क्या कोई ऐसे किसी के बोलने से कोई छोड़ सकता है? नहीं। पर ऐसा क्या हो गया कि प्रार्थना सुनते सुनते, जब आप ऑनलाइन प्रार्थना सुनते, सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना लगातार आप सुनते, वो पवित्र आत्मा, वो मसा ट्रांसफर होता है, आपके घर के अंदर आ जाता है, मतलब स्वर्गदूत आ जाते, वो अभिषेक आपको टच करता है। और जैसे जैसे आप रिसीव करते हो वचन को, प्रार्थना को, अपने आप सुनते हो, रिसीव करते हो और वही वचन आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। हालेलुया। और जिसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि जब 15 साल से ये नशा करते थे और परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया यीशु के सामर्थी नाम में। अब पास्टर जी, जब ये प्रार्थना नहीं सुनते थे तो कहते हैं इनकी वाइफ का विश्वास मजबूत था, पर ये कहते प्रेयर बिल्कुल भी नहीं करते थे, ना सुनते थे, पर ये इनकी वाइफ प्रार्थना करती थी। और कहते हैं कि जब इन्होंने विश्वास किया और इनके पति भी प्रार्थना सुनते रहे, अब ये इनके हस्बैंड खुद चर्च में लेके आए। हालेलुया, हालेलुया, जोर से तालियां बजाओ, परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, जोर से, इतना ही तालियां। आप किसके लिए ताली बजा रहे हैं? इनके लिए, यीशु मसीह के लिए। जोर से तालियां बजा। मैनू बचाण लई, कोल बुलाण लई, धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद। जिसके घर में भी आज भी आपके हस्बैंड, आपके वाइफ कोई भी नशा करता है तो विश्वास के साथ आप प्रार्थना सुनना शुरू करो और आप बड़ी गवाही को लोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया।